Hello students, so today we are talking about how to register for your NSP portal. आपको कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा, कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ओटीपी कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा. तो चलिए देख लेते हैं प्रोसेस. ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. ओके, तो उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे आप आ सकते हैं. इस पेज पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके इनको एक्सेप्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है. जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, फिर से आपको फिर से एक नया वेब पेज खुलता है. आपको अपने डिटेल्स डालनी होती है कि आपका स्टेट कौन सा है. ओके, तो चेक कर लो क्या पूछ रहा है आपका डोमिसाइल कौन सा है. तो अपन सेलेक्ट कर देते हैं कि हमारा डोमिसाइल डॉट 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 ये है. ओके, तो आपको कौन सी स्कॉलरशिप चाहिए यार, ये क्या प्री मेट्रिक है और ये पोस्ट मेट्रिक है. ओके, तो जस्ट देख लेते हैं प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक क्या होता है. यहाँ पे लिखा गया है प्री मेट्रिक जो 1 to 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, ओके उनके लिए होती है. ओके तो मैं जो फॉर्म है ये 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेता हूँ और 1 मिनट के बाद आपसे कॉन्टेक्ट करता हूँ. ओके, तो बैंक डिटेल अपनी ठीक से फिल करेंगे अपन, देखते हैं आगे क्या होता है. तो बच्चा लोग अब जो है आपको अपना बैंक आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना है. ठीक है, तो मैं अपना बैंक आईएफएससी कोड डाल देता हूँ. ओके, देन इसके बाद आपको अपना बैंक आईएफएससी कंफर्म करना होता है. ओके, तो स्टूडेंट जैसे ही मैंने आईएफएससी कोड डाला, अपने बैंक का नाम यहाँ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गया है. ओके, तो जस्ट तुम्हारे साथ यार ऐसा नहीं हो रहा, आपका बैंक का नाम यहाँ पे अपने आप फिल नहीं हो रहा है, तो आप जस्ट अपनी जो है बैंक की डिटेल चेक करें. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं. ये बिल्कुल ठीक से फिल करिएगा वरना स्कॉलरशिप का कोई मजा भी नहीं आएगा तुम्हें. ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस जो ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे ही मैंने अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर इनपुट डाला, ओके, तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हुआ है, प्लीज चेक योर आधार इज लिंक टू योर अकाउंट. ओके, इसका मतलब सिंपली यही होता है कि जस्ट जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपका जो आधार कार्ड है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए. एटलीस्ट 99% बैंक ऐसे होते हैं जो कि आधार कार्ड लेने के बाद ही आपका अकाउंट ओपन करेंगे, तो ऐसा कोई इश्यू आएगा नहीं वैसे. और अगर इसका कोई किसी का अगर ऐसा कोई इश्यू हो तो वो जस्ट अपना जो भी बैंक वगैरह से कॉन्टेक्ट कर सकता है और अपने आधार कार्ड डिटेल वहाँ पर अपडेट कर सकता है. ओके स्टूडेंट, तो मैंने ऊपर का सारा फॉर्म फिल कर दिया है. यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आए, यहाँ पे कैप्चा कोड आपको डालना है. ठीक है, मैंने कैप्चा कोड भी डाल दिया, ये 3 फिल कर दिए. ओके, आप कैप्चा कोड गलत फिल करते हैं तो आपको बैंक वगैरह दोबारा फिर से फिल करना पड़ेगा, तो कैप्चा कोड को बिल्कुल ध्यान से आप फिल करें. ओके ठीक है, लगता है मैंने फिल गलत किया है. ठीक है, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, एंड उसके बाद अपने आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है. जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आई थिंक ओटीपी भी आएगा. ओके, तो स्टूडेंट, तो जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया था, मेरे पास एक स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी आ चुकी है और मेरे मोबाइल के अंदर 2-3 मैसेजेस भी टपक टपक अभी बोले थे, तो मैसेज भी अपन चेक कर लेते हैं. तो यार मेरे पास मैसेज आया है NSP SMS. ओके, एंड योर न्यू पासवर्ड इज ओके, पासवर्ड भी आ चुका है और अपनी जो एप्लीकेशन आईडी भी आ चुकी है, आप जिससे लॉग इन कर सकते हैं. ठीक है, तो अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं. कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अपने आप को लॉग इन करना है. ठीक है, तो जस्ट आपको जो भी आपका मैसेज के अंदर आपकी एप्लीकेशन आईडी आई है और पासवर्ड भी आपके मैसेज के अंदर लिखा हुआ आया है, या इन दोनों को आप लॉग इन पे क्लिक करते हैं डालने के बाद. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं फिर से एक नया विंडो ओपन होता है. ओके, तो यार एक बार फिर से ओटीपी और से गया अपने मोबाइल नंबर पे. ओके, तो जस्ट ओटीपी को डालना पड़ेगा. मेरे पास ओटीपी आया है. ओके, ओटीपी जी प्रकार का आ रहा है यार, जेड ऐसे कुछ आया है. ओके, तो ZBR01 ऐसे कुछ ओटीपी आया, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे. ओके, तो इनवैलिड बता रहा है. ZBR01, अरे ऐसा ही आया. ओके, तो आप जैसे ही उस पे ऊपर क्लिक कर देते हैं, इसके बाद ओटीपी जैसे आपकी सक्सेसफुल होती है, आपको पासवर्ड के लिए बोलता है कि आप अपने जो भी पासवर्ड है वो सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं अपने पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, आप भी अपने कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट पार्टी, तो मैंने अपने पासवर्ड सेट कर लिया, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ. ओके,
देन उसके बाद ये मेरा पोर्टल ओपन हो चुका है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एक आप लोगों के पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज सेलेक्ट योर कॉलेज। ठीक है, तो ये यार एक कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप लोग अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करें। जैसे मैं अपना स्टेट यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे गोवा सेलेक्ट कर लिया। ओके सॉरी, राजस्थान सेलेक्ट मैं कर लेता हूँ। राजस्थान के अंदर फिर ये डिस्ट्रिक्ट पूछेगा मुझसे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप चूज करना चाहेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सीकर। ओके, तो यहाँ पे मुझे गेट लिस्ट पे इंस्टीट्यूट लिस्ट पे सेलेक्ट करना है। ओके, जो भी आपके कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फिर अपने कॉलेज का आपको सिंपली यहाँ पे नाम पुट कर देना है, जो भी आपका कॉलेज है। ओके, तो जैसे आप नाम पुट करते हैं अपना कॉलेज आ जाता है, और जो भी आप वहाँ पे कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं उसका आप अपना नाम पुट कर दे। ठीक है, सिंपली यही प्रोसेस है। ओके, अपन मैंने सारी की सारी डिटेल फिल कर दी है, नॉर्मल डिटेल्स है जो कि आप भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरिटल स्टेटस के अंदर मैंने अनमेरिट कर दिया है। ओके, आपका जो भी पेरेंट प्रोफेशन वगैरह वो सही सेलेक्ट करें। ओके, देन यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट नंबर ऑलरेडी फिल्ड है। ओके देन ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने जो है सारा का सारा फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन ये कि ये प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ पे अपना डिटेल भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपनी जो भी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एटलीस्ट 99% बच्चों को यही शो हो रहा था कि नो स्कीम अवेलेबल। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार हमने गलत फॉर्म तो फिल नहीं कर दिया, तो यार ये ऐसा क्यों आ रहा है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये स्कॉलरशिप मिले इसमें से। तो इसका मतलब यही है कि जो भी आपने अपनी डिटेल्स फिल की है उसके बेसिस पे NSP के पास आप लोगों के लिए कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सिंपली NSP का कहना यही है। और इसका क्या प्रूफ है भैया, तो इसके लिए यार अपन जैसे कि यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ जैसे बदल देते हैं यहाँ पे। ओके, आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया। ओके, देन मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ दिखेगा स्कॉलरशिप के अंदर। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम आ गई है, तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल वगैरह जो भी पेरेंट वगैरह की फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे चेंजेस किया। ओके, एंड फिर से अपन जैसे चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो है आपका जो पेरेंट प्रोफेशन है सारा का सारा इसी पे डिपेंड करता है। ओके, तो जस्ट यहाँ पे जैसे आप कर देते हो आम आदमी जो है। ओके, फिर से आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखेगा स्कॉलरशिप के अंदर। ओके, जैसे इसके लिए कोई अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यार जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है तो वो जस्ट अपना कुछ चेंजेस देख सकते हैं, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आपके मार्क्स के बेसिस पे ऐसे ऐसे कुछ स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ तो कुछ ना कुछ दिखेगा जरूर। ओके, तो यार ये सारा सिस्टम है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू सो मच यार, अपनी डिटेल वगैरह यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। ओके, तो बी अवेयर, ये फॉर्म जरूर फिल करें अगर यू आर एलिजिबल। पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं भैया, ये कहाँ पे चेक करें, तो इसके लिए देखते हैं एक सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अपनी इलिजिबिलिटी कैसे चेक करने की आपको स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये कुछ कुछ पोर्टल दिए गए हैं, जैसे सेंट्रल UGC ये स्टेट वगैरह वगैरह। ओके, तो आप जैसे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। ओके, आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है स्कीम वाइज स्कॉलरशिप सेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो आप जस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम वगैरह चल रही है। यार ये तो NSP नॉर्मल पोर्टल था, ऐसे इंडिया के अंदर हजारों स्कॉलरशिप चल रही है। ठीक है, तो जस्ट ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर्पस था कि इसके अंदर रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर कोई स्पेशली स्कॉलरशिप नहीं थी कि आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है। वैसे स्टूडेंट्स के लिए इंडिया के पास बहुत सारी हजारों ऐसी स्कॉलरशिप पड़ी है जिसका आप लोगों को पता भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपकी कंडीशन से जस्ट मैटर करनी चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए,
या फिर आप अगर SC ST OBC PWD कैटेगरी से हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। सी बहुत सारी स्कॉलरशिप जैसे रिलायंस जियो भी बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, कोलगेट जो है यह भी बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, जैसे गोडेडी, फेसबुक, गूगल है, हजारों स्कॉलरशिप इंडिया में ग्रेजुएशन के लिए बच्चों के लिए अप्लाई करता है, ओके प्रोवाइड करता है। तो बी अवेयर फॉर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गेट लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे, बाय बाय।